हेलो एवरीवन, आज भी हम दो योग की बात करेंगे, ससा योग और मालवीय योग। एक लड़के ने पूछा था ना, मेरा मालवीय योग है, फिर आपने क्यों बोला कि मेरी किस्मत में पैसा नहीं है। तो मालवीय योग क्या है? योग का मतलब है प्लैनेटरी कि ये होगा, ये मिलेगा ही मिलेगा। योग का मतलब यही है, एक तो योग कारक प्लैनेट होने चाहिए। जैसे मिथुन लग्न में शुक्र योग कारक प्लैनेट है। अब सोचिए कि अगर वो मालवीय योग बनाता है, यानी केंद्र में है, फर्स्ट, फोर, सेवन और टेन में ये मालवीय योग बना रहा है। अब मालवीय योग का मतलब क्या है वो समझता है, यानी एक शुक्र ये मालवीय योग बनाता है और योग कारक प्लैनेट होना चाहिए। करक में शुक्र भादकेश है, योग कारक प्लैनेट कौन है? मंगल है। अब ये कैंसलेशन कब होती है? जब मंगल और शुक्र इकट्ठे हो जाते हैं, ये योग भंग हो जाता है। अब सारी वही पास्ट लाइफ थ्योरी है कि क्यों, अगर मालवीय योग उनका आता है जो अपनी पास्ट लाइफ में अपनी बीवी की बहुत केयर करते हैं, उनको प्यार करते हैं, देख रेख करते हैं, इस जन्म में भी ये योग आता है तो अपनी वाइफ के साथ है, अपने उनको मारना नहीं है, बुरा बोलना नहीं है, ट्रीट नहीं करना, क्यों? ये योग भंग हो जाएगा। मैं आपको एग्जाम्पल देती हूँ, मेरे नीस की है, मिथुन लगन है, शुक्र योग कारक प्लैनेट होके सेवेंथ हाउस में है, ठीक है, सेवेंथ हाउस में शनि के साथ है और मंगल की उस पर दृष्टि है, तो मालवीय योग भंग हो गया। इलेवेंथ लॉर्ड है मंगल और इलेवेंथ हाउस में बैठा हुआ है, तो वहाँ से उसकी आठवीं दृष्टि है, तो ये योग भंग हो। अगर वो अपनी बीवी को बुरी तरीके से बोलेगा, मारेगा, तो उसके साथ बुरा ही होगा, इसका फल नहीं आएगा। और आपको तो पता है इंडिया में बीवियों का क्या हाल करते हैं, भले कितने मर्जी योग लिया हुआ, लेकिन मालवीय योग का मतलब पास्ट लाइफ, ठीक है। अब आती है बात ससा योग। अगर मंगल की शनि पर दृष्टि है तो ये योग बनता है। मेरा शनि कहाँ बैठा? सेवेंथ हाउस में। मंगल कहाँ बैठा? फोर्थ हाउस में। तो चौथी दृष्टि, मंगल की चार सात आठ दृष्टि होती है, तो चौथी दृष्टि मंगल की किस पर है? शनि। तो शनि कारक क्या है सर्वेंट्स के? देखो, हमें पास्ट लाइफ के तीन ही प्लैनेट देंगे, राहु, शनि और मंगल। मंगल क्या है? एनर्जी। राहु वक्री मोशन है, जो पीछे चलता है वही पास्ट लाइफ है। और शनि इज फेट, जो भाग्य में लिखा है वही मिलेगा। इस ससा योग का मतलब क्या है? आप अपने सर्वेंट के साथ कैसा बिहेव करते हो, जैसे पास्ट लाइफ में देखेंगे ये योग बना क्यों, जो अपने पास्ट लाइफ में अपने सर्वेंट्स का बुरा हाल करता है उसको ये योग मिलता है। तो इस जन्म में आपने गुड केयर करनी है अपने सर्वेंट्स की, तो हमारी जो धोबन है, कपड़े धोती है, वो 40 साल से हमारे घर में है, मैं तो बाद में आई हूँ, मतलब उससे भी पहले की है। और मेरी जो एक काम वाली है, जो मेरा खाना बनाती है, तो वो 17 ईयर्स हो गए हैं उसको। और क्योंकि मैं उनके साथ बिल्कुल एक ही थाली में खाना खाती हूँ, मेरे से तो बहुत बड़ी हैं, पैर छूती हूँ, बहु मानती हैं वो मुझे, लेकिन मेरा ध्यान भी बहुत रखती है कि इतनी थक जाती है, ऑफिस का भी काम होता है, तो कहेंगी ला तेरे कपड़े तय लगा देती हूँ, और थोड़ी सी बीमार होती हूँ तो हमारी काम वाली कहेगी लाओ भाभी जी फटाफट गर्म गर्म खाना खा लो, एक ही तो रोटी खाते हो। तो अगर मैं उनकी केयर करती हूँ, वो रिवर्ट बैक मुझे मिलता है, क्योंकि दैट इज़ माई फेट, ये मैं लिखवा के लाई हूँ कि आप जैसा बिहेव करोगे शनि आपको रिवर्ट बैक देगा। धनु लगन है, मूल त्रिकोण राशि क्या हो गई? कुंभ कहाँ बैठा है? सेवेंथ हाउस में। मंगल की सीधी दृष्टि है, ससा योग है, लेकिन सर्वेंट का सपोर्ट मुझे तब मिलेगा जब उनकी गुड केयर करूँगी, तो मैं उनका बहुत ध्यान रखती हूँ। और अभी भी जैसे पंजाब जाऊँगी तो मैं पहले पूछती हूँ, मैं आपके लिए क्या लेके आऊँ? तो कहेगी ये ले आना, तो मैं लेके ही आती हूँ, क्योंकि यहाँ तो मैं निकल ही नहीं पाती, आपको पता ऑफिशियल वर्क है, स्टडी है, घर का काम है, आगरा में कभी घर से बाहर निकली नहीं। सबसे पहले योग जानना जरूरी है, उसके कारणों को जानना जरूरी है, उसके रीजंस, वो भंग कैसे होते, उसका फ्रूट कैसे आएगा, ये सब जानना, सत्य जानना जरूरी, कहने का मतलब ये। तो आज हमने चार योग पढ़े हैं, बाकी का मैं अगले वीडियोस में भी लूँगी, लेकिन अभी जो आने वाली मेरी दो वीडियोस हैं वो एनालाइज चार्ट हैं, क्योंकि लोग इंतज़ार कर रहे हैं कि एनालाइज मैम कब करोगे। लेकिन आप लोग मेरे लिए इतना क्यों डरते हो? मैडम आप एनालाइज ही डाल दोगे तो लोग आपका चैनल ही नहीं सुनेंगे। एक बात आप लोग ये पता है, जिसका एनालाइज है वो कितना होल्ड करके बैठा होगा व्रत कि कब 10 दिन निकले, कब मुझे फ्यूचर सुनने को मिले।
ये मैं जानती, मैंने बोला था मैं 2 साल तक मेल भेजती रही, मेरा कभी रैंडम चार्ट भी नहीं उठाया गया, फीस बहुत ज़्यादा थी, 25,000 थी उनकी फीस, लेकिन सिर्फ क्यूरियोसिटी थी जानने की। तो आज अगर कोई इंक्वायरी भेजता तो मुझे पता है कि कितनी अंदर जिज्ञासा होती है कि काश मैसेज मिल जाए, उसके बाद वो शांत हो जाता है, फिर अपने एफर्ट डालता है, फिर रिजल्ट आता है। लेकिन आपके लिए, आपको क्या लगता है, जो एनालाइज के भेजती है वो उसका चैनल नहीं चलेगा? चलेगा, क्योंकि अभी मैं बहुत फेमस नहीं हुई हूँ, 4 महीने हुए हैं चैनल को चलाते हुए। तो आप सोचिए कि जिस दिन मेरा गूगल पर आ जाएगा नाम, तो हो सकता है एक दिन में 100 इंक्वायरी आए और सब अपना सच जाने, और ये होगा। आप भी यही हैं, मैं भी यही हूँ, डेट मैंने आपको दे रखी है 20 जनवरी कि ये होगा। और एनालाइज के लिए मैंने आज तक कभी किसी के अंदर परफेक्शन नहीं देखी है, क्योंकि मेरे को भ्रम में रखना नहीं आता। अगर स्ट्रेटेजी क्लियर होगी, इनकम होगी, आप अपने रास्ते बनाओगे, खर्चे कम करोगे, सिंपल मेरा पढ़ना है बस। आपको बता दूं आपका इनकम है नहीं है, मैं आपको बता दूं आप अपनों को कितना बदल सकते हो, अपने खर्चों को कितना रोक सकते हो, सब पर आप है, आपका मैप आप नहीं बदलना। ये एक्सपेक्ट करके कि किसी के साथ जुड़ने से चमत्कार हो जाएगा, इसी भ्रम को तोड़ने के लिए चैनल है। और मैंने कहा था एक दिन मैं अपनी स्टोरी रिपीट करूंगी, लेकिन वो भी टाइम नहीं आया है। लेकिन तब आपको पता चलेगा कि मैं एस्ट्रोलॉजी को लेकर इतना पैशनेट क्यों हूँ, इतनी सीरियस क्यों हूँ। कभी मजाक बर्दाश्त नहीं करती, जैसे कोई ऑनलाइन आता है कोई फालतू की भी बात करता है, मेरे को गुस्सा चढ़ जाता है, क्योंकि आपके लिए ज्योतिष मजाक है। अब आप डेट ऑफ बर्थ टाइम प्लेस लिख के भेजो तो प्लेस नहीं लिखा, प्लेस लिखा है तो स्टेट, अब पहले ढूंढो स्टेट कौन सी है। आपके जिंदगी का मैप है और आपको कोई रंज नहीं है कि आपके साथ क्या होने वाला है, आप इसको मजाक समझ के बैठे हो। लेकिन टाइम प्रूव करेगा, हर अहंकार को तोड़ता है शनि, और टाइम प्रूव करेगा राहु। सबका सामने आना है, बस किसी का देर किसी का सवेर। और प्लेनेट आपको कभी नहीं चाहेंगे कि आप किसी के साथ कनेक्ट हो, ये मैसेज आपको मिले। मेरे साथ कौन जुड़ेगा जिसका मेरा पास्ट लाइफ कनेक्शन होगा? अभी तक जितने चार्ट आए सब मेरे कनेक्टेड हैं, लेकिन मैं अपना क्लियर कर रही हूँ अकाउंट। और मैंने आपको एक बात और भी बताई थी कि अगर आपके अंदर पैशन है किसी चीज़ को लेकर, प्लैनेट आपको सपोर्ट करेंगे। बीच में मैं इतनी खुश हुई थी, मैं इस पर भी वीडियो बनाऊंगी, आत्मा कारक और अमात्य कारक पर, अभी नहीं बना रही लेकिन वीडियो बनाऊंगी नेक्स्ट वीक, देखते हैं। क्योंकि मेरे को, मैं सच बताऊँ, इस समय मैं चंडीगढ़ में हूँ, और अगर आप लोग मुझसे मिलना चाहते हैं तो आप चंडीगढ़ में अपॉइंटमेंट ले सकते हैं और मुझसे मिल सकते हैं। 6506 है, यहाँ मैं 4 दिन रहने वाली हूँ, 18 की मेरी वापसी है, और आप अपॉइंटमेंट लेके मुझे वहाँ मिल सकते हैं, रेलवे विहार कॉलोनी। तो अगर एनालाइज करवाना है, वरना ऑनलाइन तो मैं देखती ही हूँ, ये चंडीगढ़ वालों के लिए है, या आसपास कोई रहता वो मुझे मिलना चाहता है। और दूसरी बात कि आप मेरी वीडियो सुनें, शेयर करें और सब्सक्राइब भी करें और मेरे लिए प्रे करें। और ऐसे ही मैं आप लोगों का करेक्ट टू दी पॉइंट, मैं कभी टाइम नहीं वेस्ट करती किसी का, किसी के पास टाइम है ही नहीं, इसीलिए टू द पॉइंट बात करती हूँ। कभी देखा मेरे को ऊपर नीचे जितने क्वेश्चन आंसर, बस कब होना ये, दैट्स इट। ये भी मुझे मैसेज ऊपर से मिला है, क्योंकि मुझे डीप डिटेल नहीं बतानी। आप अपने सच को सुनने के अभी तैयार नहीं हो, सच को सुनने के लिए पहले तैयार हो जाओ। आप भी यही हो, मैं भी यही हूँ, आपका ही फ़ोन आएगा, आपके मैसेज आएंगे, रेमेडी भी पूछोगे, रेमेडी वर्कआउट भी होगी, आप रिजल्ट भी देखोगे, सब कुछ होगा, लेकिन प्रूफ कौन करेगा? टाइम प्रूफ करेगा। इसीलिए मेरी वीडियो को ध्यान से सुने, आप लोगों के लिए इतनी मेहनत करती हूँ, इतनी गर्मी में शूट करती हूँ, अपलोड करती हूँ, रात के 3-3 बजे तक जाती हूँ, लेकिन अगर आप सुन ही नहीं रहे हो तो बताइए फिर मैं क्या कर सकती हूँ। तो अगली बार मिलते हैं अगली वीडियो में, बाय।